वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये पक रही है चाय, अफ्तारी नहीं सहरी, सहरी। पांचवी सहरी, सबको बहुत मुबारक हो। आज हम लेट हो गए थोड़ा, है ना जिया? लेट हो गए और अभी बस मैं चाय बना रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट बाकी है। नहीं निकाल रही हूँ और हाँ। टाइम चला टाइमिंग का, और बस अभी चाय निकाल रही हूँ। 10 मिनट बाकी है और ये चाय बन रही है, बस मैं निकालती हूँ उसके बाद। ये देखें आप लोग, टाइम हो चुका है 4:45। अब टाइम बिल्कुल ओवर होने वाला है। उन्होंने अभी सहरी कर ली बिरयानी। आमिर भाई ने दही से पराठा खाया था उस दिन, आमिर भाई ने टेस्ट करा था तो उन्होंने खाया। आमिर भाई बहुत कम टाइम बचा है ना। हाँ वालेकुम सलाम। आज सहरी छठी सहरी है, पांचवी सहरी है। और बस मैं इतना अभी मैंने यकीन कर रहा है, मेरा बर्थडे का ब्लॉग भी डाला है, इतना एडिटिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। कट पीट के ना समझ नहीं आ रहा है क्या काटूँ क्या नहीं काटूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बहुत एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है। फिर मजीद थंबनेल, फिर टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर टैग वगैरह, ये वो इंसान आदर पागल इसी में हो जाता है। और आज मेरे बिल्कुल भी वेट करने, वो ब्लॉग दूसरा सहरी बनाने का दिल नहीं कर रहा था, फिर अभी अंशा ने बोला कि बना लेते हैं। और टाइम बिल्कुल ओवर होने वाला है, बस हम लोग अभी बैठेंगे, हमसे चाय ले कर आइए और आप लोग सामने। बहुत मेहनत लगती है तो ब्लॉग वगैरह को लाइक करा करें, शेयर करा करें। हाँ ना, इतनी मेहनत लगती है एडिटिंग वगैरह में, सब लगती है। आप लोग ये देखें अभी तक ब्लॉग नहीं डाला है। ये आ गई चाय, बस ये चाय आ गई और ये हमने ये दही भी छोड़ दिया है और अभी ये भी खाना है, ये भी खाने और हमने बिरयानी खाई है और इतने सारा काम थोड़ी कम कर दो, खाई जा रही है तू। मैंने एक चम्मच भी नहीं चखी है, पूरी खा ली बैठे है जी, ऐसी हुआ था। और अब मेरे को मिर्च लग रही है, ये बोले जा रहे दही इतनी ज्यादा है, दही इतनी ज्यादा है। मैं समझी भाई इनको खानी नहीं है और खा ली जितनी मुझे क्या पता, मैंने जबरदस्ती दही पूरी खा ली, मुझे तो पता ही नहीं था कि इनको अभी खाना है। अब बोल रहे थे इतनी सारी दही है, तुम लोग क्यों ले आए इतनी सारी दही? एक पाव ले आया मैं, आधा पाव की तरफ से इनको सजा मिली है। सजा मिली है कि दही के बिना मुझे रोजा रखना पड़ता है? मानो कि आज दिखाओ कि 1 मिनट के टाइम का वेट हो रहेगा। हां टाइम तो दिखाओ जरा। मतलब ये क्या बोल रहे हैं आप माइक में? बोल रहे हैं ये कब से बोले जा रही है, कोई बोलना चाह रही है, आप लोग उसकी सुना करे। अच्छा चलो भाई जी, अब अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। तो जो भी बोले माइक में बोले। अभी तो प्यास लग जाएगी। नहीं नहीं रोजा तो लगना चाहिए। ये कह रही है, ये कह रही है रोजा लगना चाहिए लेकिन बताना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए लेकिन बताना नहीं। नहीं ना ये थोड़ी बोल ली आप, दो दो माइक। अरे भाई दो दो रिपोर्टर आए भाई, न्यूज जियो न्यूज। मैं कह रही हूँ कि यार मेरे चाचू ने बोला था कि अब ऐसा भी नहीं कि लोग हम बोल फोन क्या कैसे भी करके बता रही हूँ। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। हाँ, बता रही बता रही मतलब ना लोग बोलते हैं कि हमें रोज ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि रोजा लग रहा है, रोजा लग रहा है सही है। मम्मी चाचू ने बोला था कि वो ना ऐसा मतलब बता सकते कि लग रहा है, क्योंकि अगर जाहिर सी बात हम सहरी का कुछ नहीं खाए हुए होते तो रोजा तो लगता है ना। अब ऐसा भी नहीं कि नहीं लग रहा, नहीं लग भी रहा है फिर भी बोले नहीं लग रहा नहीं लग रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर रोजा है तो लगने से ही पता चलता है कि हमारा रोजा है। Once more. और हमें प्यास लग रही है, और जिस दिन मुझे रोजा नहीं लगता ना उस दिन मुझे दुख होता है कि मुझे रोजा क्यों नहीं लगता। आप लोग पता है तुम्हारा इतनी बड़ी मेहनत करी है ना स्पीच के बाद, ये हमारी रिपोर्ट है जरूर, मैं तो कह रहा हूं एक्टिंग यार। वाह 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 जबरदस्त, लाइक लाइक। अच्छा चलिए जी अब वीडियो को एंड करते हैं। अब ये नमाज़ पढ़ने, इसके बाद मैं पढ़ूंगी, मेरी बहन पढ़ेगी, बस इस तरह से हम लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं। अभी मैं बर्तन वगैरह धोकर फारिग हुई हूँ और इसी तरह वीडियो को एंड करते हैं। मानो वीडियो को बहुत सारा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भी सारी वीडियोस को, क्या मैं बहुत मेहनत करता हूँ और एडिटिंग वगैरह में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।